हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संगीत शिक्षण हिंदी में। मैं शिवम कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपके लिए एक और अलंकार लेके आया हूं। अलंकार कह सकते हैं, पलटा कह सकते हैं, इसे पलटा कहना ज़्यादा उचित है। हालांकि दोनों ही एक ही बात है, दोनों ही एक ही चीज़ है। तो मैंने यहाँ हालांकि भी थोड़ा सा बजा कर आपको बताया है, थोड़ा जल्दी था ये। तो अभी मैं आपको बताऊंगा स्लोली स्लोली कि कैसे से करना है, थोड़ा सा अलग है पर है वही चीज़। जैसे मैंने अभी लास्ट टाइम वीडियो डाला था कल, तो उसमें मैंने बेसिक अलंकार को लिया था, सारे गामा पाधा निशा को। तो इसमें भी मैंने सारे गामा पाधा निशा ही लिया है पर इसको डिफरेंट वे में। तो चीज़ वही है, प्रेजेंट करने का तरीका अलग है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। और यही होना चाहिए, यही होना चाहिए। और देखिए, कुछ अलंकार जो होते हैं, ज़्यादातर अमूमन अलंकार हम लोग जो करते हैं वो सीधे सीधे करते हैं। कहने का मतलब कैसे, जैसे कि आगे पीछे नहीं होता। जैसे कि ये जा रहा है, जैसे सारे गा रे गा मा गा मा पा मा मा धा पा धा नी धा नी सा सा नी धा नी धा पा धा मा 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 गा मा गा रे सा। इस तरह से हमने किया, पर कुछ वेरिएशंस होना चाहिए अलंकार। जैसे इस अलंकार में है, देखिए कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसको पूरा वीडियो देखें, कोशिश करूँगा मैं संक्षिप्त में ही अपनी बात कहूँ, हालांकि बड़ी हो जाती है क्योंकि कुछ पॉइंट्स हैं जो रह जाते हैं, वो छूटने नहीं चाहिए, अधूरी जानकारी हानिकारक होती है, इसीलिए। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें देखिए क्या है कि ये सीधा नहीं, आगे जा रहा है फिर पीछे आ रहा है, आगे जा रहा है फिर पीछे आ रहा है, आगे जा रहा है फिर पीछे जा रहा है, एक एक नोट भर रहा है और पूरा पूरा पीछे आ रहा है। देखिए कैसे, सा सारे सा सारे गा रे सा सारे गा मा गा रे सा, है ना, इस तरह से। तो मैं इसे और स्लो करता हूँ, सा सारे सा सारे गा रे सा सारे गा मा गा रे सा सारे गा मा पा मा गा रे सा सारे गा मा पा धा पा मा गा रे सा सारे गा मा पा धा नी धा पा मा गा रे सा। तरीका वही है, सांस रोक कर करना है। कोशिश करें सांस रोक कर आप करें, जहाँ ज़रूरत है वहाँ तो ले ही लें सांस, ऐसा भी नहीं कि आप ना लें, पर कोशिश अमूमन यही करें। सारे गामा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा, फिर वहीं से ये आरोह है, अवरोह नहीं है, ये अवरोह ये है। सा सा नी सा सा नी धा नी सा सा नी धा पा धा नी सा सा नी धा पा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा रे गा मा पा धा नी सा, इस तरह से। तो मैं एक बार और बताता हूँ और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी समझ में आए तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पर उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत इजी है, बस आगे पीछे हो रहा है। एक एक नोट हम भड़ रहे हैं, एक एक नोट वापस आ रहे हैं। सा सारे सा सारे गा रे सा सारे गा मा गा रे सा सारे गा मा पा मा गा रे सा, इस तरह से। सा सारे सा सारे गा रे सा सारे गा मा गा रे सा सारे गा मा पा मा गा रे सा सारे गा मा पा धा पा मा गा रे सा सारे गा मा पा धा नी धा पा मा गा रे सा सारे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा 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 नी सा सा नी धा नी सा सा नी धा पा धा नी सा सा नी धा पा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा रे गा मा पा धा नी सा। देखिए ये जो अलंकार है इसमें आपका फिंगरिंग वर्क तो हो गई होगा, उसके साथ साथ आपका जुबान भी साफ होगी, जो लड़न्त होती है लड़न्त खत्म होने लगेगी जब इसे करेंगे। तो पहले आप उसको प्रेशरली करें गले से,
सा रे गा रे सा इस तरह से, तो उसमें ताकत की कमी ना होने दें, ताकत से करें, गले की ताकत से करें, जिसे हम गले का रियाज कहते हैं। उसके बाद इसको आकार में भी आप कर सकते हैं, वो भी आप थोड़ी देर में बताऊंगा, तो मैं कुछ और चीज़ें बता दूं। और वही फिंगर के लिए भी एप्लीकेबल है। फिंगर को आप अपने जब आप उसको होल्डिंग आपकी फिंगर की यहाँ टाइट नहीं करना है, कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूँ, यहाँ टाइट नहीं करना है, कलाई को टाइट नहीं करना है, फिंगर पे प्रेशर आना चाहिए। इस तरह से, पर उठाना भी नहीं है, ये मैं उठा के आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर पता चल जाए उसका प्रेशर, ये प्रेशर, ये आवाज़ जो आ रही ना। अलंकारों के लिए विशेषकर आप ये हमेशा अपनाएं और पंखे को कम यूज़ करें, पंखे को आप उतना ही यूज़ करें जितनी आपकी आवाज़। मैंने एक वीडियो बनाया था इस पर पंखे का कैसे इस्तेमाल करना है, तो इससे ताकि आपकी आवाज़ ना दबे। कुछ लोग करते हैं अमूमन पंखा बहुत तेज से दोगुने लगते, इससे नोट भी ख़राब होता है, उसकी ट्यूनिंग ख़राब होने लगती है हारमोनियम की, और उसमें खूबसूरती भी ख़त्म होने लगती है, वो चीखने से लगने लगता है, इसीलिए आपकी आवाज़ दबने लगती है। तो अपनी आवाज़ को प्रधानता दें। सा रे गा रे सा इस तरह से, और लय का विशेष ध्यान रखें। हालांकि मैं अभी आपको जल्दबाजी में बता रहा हूँ, मैंने पिछली वीडियो में बताया था लय के बारे में, तो अब इसमें क्या जरूरी एक चीज़ और है कि जैसे कि आप कर रहे हैं आपका गला थक रहा है, तो आप उसको फिंगरिंग को वर्क करते रहें, फिंगरिंग को ना रोकें, वो करते रहें, वो चीज़ ज़रूरी है। और उसके साथ साथ और इसमें आकार का भी वर्क कर सकते हैं, गले का तैयार, गले को तैयार करने के लिए सही पीछे भी आ रहा है, ये चीज़ आप ध्यान देंगे। अगर जहां आपको लगे कि आपका लड़ रहा है, मैं भी यूज करता हूं जब तेज करते हैं, तो उसमें थंब, देखिए ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, बस शुरू में रियाज करने में रिस्ट्रिक्शन कुछ होती है कि जहां थमले पर थंब कहीं कहीं यूज करना पड़ता ही है। अब जैसे ये एक तरह से पलटा है, तो इसमें तो जरूरत पड़ेगी, तो हमें यूज करना भी पड़ेगा, हमें साफ बजाना है, इसीलिए लड़न्त नहीं होनी चाहिए उंगलियों में, वही जुबान की भी लड़न्त नहीं होनी चाहिए, लड़न्त में सफाई होनी चाहिए। तो इस चीज़ का आप इस तरह से रियाज करें दिन प्रतिदिन, तो आपको मैं ये दावा करता हूँ कुछ ना कुछ आपको नया मिलेगा। पहले अपनी बेसिक थाट और बेसिक स्केल में ही करें, जो आप सब अमूमन लोग करते हैं। उसके बाद मैं आपको आगे और भी पलटे बताऊंगा, ताल से रिलेटेड चीज़ें बताऊंगा, और आगे भजन भी आने वाले हैं, तो ज़्यादातर मैं ये भी कहना चाहूँगा। और रागों का सेशन मैं अब दूसरे तरीके से शुरू कर रहा हूँ कि बंदिशें तो मैंने सारी अपलोड करी हैं लगभग, जो प्रचलित रागें हैं कोर्स वाइज, और उसके साथ मैं रागों पर चर्चा, जैसे हम कहते हैं एक तरह से कह सकते हैं कन्वर्सेशन ऑन राग, रागों के अंग, रागों का चलन, रागों का वादी संवादी, उसकी परिचय जानकारी जो है, महत्वपूर्ण जानकारी है जो अमूमन कोई बताता नहीं है, उस पर मैं बात कर रहा हूँ आजकल। अभी तक मैंने राग भैरव और राग मालकोश अपलोड किया है, और अब इसके बाद इस वीडियो के बाद राग यमन आएगा। तो आई होप यू विल लाइक इट, सो प्लीज़ शेयर इट। जाते जाते मैं एक बार और इसे गा के जाता हूँ अपनी लय में, तो मैं सीधा थोड़ी सी द्रुत लय में ही इसे गाता हूँ, तेज लय में। I hope you will like it, so please share it, subscribe it, and keep watching Musician Hindi. Take care, love you, take care. तो देखिए अभी मैंने इसमें यूज़ किया, देखिए थंब मेरा ऊपर आया था, देखिए मैंने किया था, आपको फिर से दिखाता हूँ। आप फिंगर भी कर सकते हैं, बात नहीं मैं करता हूँ। ये देखिए फिंगर भी हुआ, तो जहाँ आपको कंफर्टेबल है, देखिए ये कंफर्टेबल जोन की बात है, जब आप बजाने लगते हैं उस चीज़ को, तो ये आपके ऊपर, इट्स ओनली डिपेंड ऑन यू कि आप उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। बहुत से लोग कॉर्ड्स में यूज करते हैं, कॉर्ड्स में तो यूज होता ही है थंब।
तो आगे मैं कॉर्ड्स को भी बताऊंगा आपको। तो देखिए जैसे मैंने यूज़ किया, यहाँ देखिए मैंने थम यूज़ किया, सा नी धा पा, सा नी धा पा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा पा धा नी सा। तो इस तरीके से आप उसको अपने आप हैंडल कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें इट्स डिपेंड ऑन अपॉन यू, ये नहीं कि आप उसको एक ही जगह पे सीमित रखें उस चीज़ को, आप अपने भी उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। आई होप यू विल लाइक इट, सो प्लीज शेयर इट अगेन एंड कीप वॉचिंग संगीत सेशन इन द वीडियो। थैंक यू, लव यू, हैप्पी लर्निंग।